तो जैसे हम लोगों ने व्हाइल लूप देखा था, उसी तरह से ही फॉर लूप भी इटरेशन के लिए काम आता है। इटरेशन मतलब अगर किसी काम को हम लोग को बार बार रिपीट करना है, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम हमें 100 बार प्रिंट करना है, तो वहां पे 100 प्रिंट स्टेटमेंट तो हम लोग लिख नहीं सकते। तो उसी काम को इजी करने के लिए हम लोग क्या यूज करता है, लूप। तो व्हाइल की तरह ही दूसरा एक लूप स्टेटमेंट होता है फॉर। तो बेसिक हम लोग विथ एग्जाम्पल सिंटैक्स हम लोग देखते हैं, फॉर उसके बाद एक वेरिएबल देना है, सपोज हम लोग देते हैं आई इन, पहले हम लोग देखते हैं जो फॉर यूजिंग रेंज फंक्शन, उसके बाद दूसरा तरीका देखेंगे। तो रेंज हम लोग लिख देंगे, रेंज एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आ जाएगा। तो ये फंक्शन के कितने पैरामीटर्स है, तो टोटल मैक्सिमम 3 पैरामीटर्स होते हैं इस फंक्शन के। जो पहला पैरामीटर है उसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा। सपोज हम लोग का स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग रखना चाहते हैं 1। उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसका मतलब है टोटल कहां तक वो लूप चलेगा। सपोज हम लोग यहाँ पे 5 दे देते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है लूप 1 से लेके 5 तक नहीं चलेगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर हम लोग ने लिया 5, लूप विल रन लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसका मतलब है इंक्रीमेंट। जो हम लोग 1 से 5 तक चलेंगे वहां पे इंक्रीमेंट होना चाहिए 1 से, तो हम लोग दे देंगे यहाँ पे 1। इसके बाद कोलोन, उसके बाद हम लोग उसके अंदर अगर प्रिंट करना चाहते हैं आई का वैल्यू, आई लिख देंगे प्रिंट आई, उसके बाद इसे रन कर देंगे, तो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है, जब हम लोग ने वाइल लूप एग्जीक्यूट किया तब आपने देखा होगा लूप से बाहर आके आई का वैल्यू हो गया था 5, इसीलिए वो लूप से बाहर आ गया था। और हम लोग ने जब प्रिंट किया था लूप के बाहर तो वैल्यू प्रिंट हुआ था 5। लेकिन यहाँ पे अगर लूप के बाहर आप प्रिंट करोगे, आई का वैल्यू स्टिल 4 है और वो लूप से बाहर आ गया है। अब अगर सपोज जो इंक्रीमेंट पैरामीटर है अगर उसे हम लोग बढ़ा के 2 कर देते हैं, उसका मतलब क्या है, 1, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू होगा 1 + 2 दैट इज 3, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट होगा 1 और 3। ये हो गया जब हम लोग इंटीजर पे करते हैं। दूसरे किसी डेटा टाइप पे भी फॉर लूप हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। जब वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तब वहीं पे हम लोग विथ एग्जाम्पल उसे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यूज कर रहे हैं 3 पैरामीटर, तो 3 पैरामीटर तो दे दिया, लेकिन ये तीनों पैरामीटर क्या मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। अगर हमें सिर्फ 2 पैरामीटर देने हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 5, उसका मतलब क्या है, आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता चलेगा, उसका मतलब है 1 से लेके 4 तक वो रन तो करेगा और बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट होगा 1 से। अब सपोज मैंने एक ही पैरामीटर दिया है तो उसका मतलब क्या है, फॉर आई इन रेंज 5, उसका मतलब है जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 0, 1 नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, जो स्टार्टिंग वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू वो होता है 0, इसीलिए हम लोग का लूप 0 से स्टार्ट होके 4 तक रन हुआ और 0 से लेके 4 तक प्रिंट होके बाहर आ गया। अब सपोज हमें चलाना है उल्टा लूप, तो उल्टा लूप चलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज हम लोग को चलना है 5 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से लेके यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो 1 तक चलेगा, और उसके बाद डिक्रीमेंट कर सकते हैं बाई 1। डिक्रीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं, -1, तो यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हम लोग ने डिक्रीमेंट किया बाई 1, हम लोग बाई 2 भी डिक्रीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5 3 और 1। अब देखते हैं फॉर एल्स क्या होता है। हाँ सही सुना, इफ एल्स आपने सुना होगा, लेकिन एल्स शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे फॉर के साथ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लूप लेते हैं 1 से लेके 5 तक और इंक्रीमेंट करते हैं बाई 1। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लिखते हो एल्स, उसके बाद कुछ भी हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज बिप्लव हम लोग प्रिंट करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, 1 से लेके 4 तक तो प्रिंट होगा, उसके बाद बिप्लव भी प्रिंट होगा। तो ये कैसे काम करता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। इफ एल्स में अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तब जाके एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रू नहीं है। यहाँ पे जब भी लूप हम लोग का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तभी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर बीच में कहीं भी किसी भी रीजन से अगर हम लोग का फॉर लूप कंप्लीट नहीं होता है, 1 से लेके 4 तक हम लोग का एग्जीक्यूट ना होके बीच में ही कहीं पे फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, वहां पे एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूं ब्रेक,
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वन प्रिंट होके ब्रेक हो गया, इसीलिए एल्स वाले पार्ट में वो आया ही नहीं। तो लूप प्रैक्टिस करने के लिए एक असाइनमेंट करना है आपको, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग पे कैसे इटरेशन करना है। तो असाइनमेंट क्या है, एंटर ए नंबर एंड प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ इट। सपोज आपने 5 एंटर किया है तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, वैसे करके 5 × 10 = 50 कर देना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।